आपका स्वागत है. इफ यू आर न्यू, हाय, माय नेम इज नेहा, आई एम फ्रॉम अरुणाचल एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फ्रॉम गुवाहाटी. आज मैंने सोचा था कि मैं 24 आवर्स SMS स्पीकिंग चैलेंज करूंगी. मुझे लगा था मैं घर पे रहूंगी. बात क्या है कि अभी मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो मेरा चैलेंज ये है कि मैं बाहर भी SMS में बात करूँ. जो तो देखो, मुझे बिल्कुल SMS नहीं आती. अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो सॉरी, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि मुझे सीखना ही पड़ेगा. अपने गुवाहाटी रहने आई हूँ तो मुझे SMS सीखना ही पड़ेगा. तो जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी, जब तक मैं बोलूँगी नहीं, तब तक होगा नहीं. सुन सुन के होता नहीं है, क्योंकि मैं सुन तो बचपन से ही रही हूँ लेकिन अब तक नहीं सीख पाई. मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जस्ट लाइक एनी अदर लैंग्वेज. सो आज मैं पूरा दिन SMS बोलूँगी. आज मेरी दीदी और जीजा आ रहे हैं डिनर पे, तो मुझे वो लोग एक्चुअली गए हुए हैं कहीं और, ठीक है. तो वो वहाँ से पहुँचेंगे गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी से उनकी ट्रेन है रात को, तो उन्होंने वो खाना खाने रुकेंगे, बस यहाँ रुकेंगे नहीं. तो उन्होंने मुझे बोला है कि मणिपुरी बस्ती जाके सिदौल मछली और एक था क्या, खूंचा खांग कुछ तो था, मैं देख के बताऊंगी, वो लाने के लिए बोला है. क्योंकि वो लोग पहुँचेंगे शाम को तो लेट हो जाएगा, वो नहीं जा पाएंगे. तो वहाँ जाके आना है और मुझे फिर डिनर के लिए सामान भी लेके आना है बहुत सारा. तो हाँ, दीदी और जीजू मेरे हैं. पूजा दीदी, आप अगर देखते हो पू व्लॉग्स, तो पूजा दीदी और राहुल भैया रहे. मैं राहुल भैया बोलती हूँ क्योंकि राहुल भैया ही निकलता है, क्योंकि मैं उनको जब से जानती हूँ मैंने उनको राहुल भैया बोला है. तब वो जीजा जी नहीं थे, तो मैं उनको राहुल भैया बोलते बोलते कितने साल हो गए, 10 साल हो गए. राहुल भैया 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 10 साल पता नहीं, हाँ 10 साल के करीब हो गए होंगे. राहुल भैया राहुल भैया राहुल भैया राहुल भैया. तो अब मैं कैसे बदलूँ बताओ, 10 साल की आदत मैं कैसे बोलूँगी जीजा जी. नहीं होता. मैं मुझे ना बहुत रैपिडो से जाने का मन था, तो मैंने रैपिडो डाउनलोड किया. देखती हूँ आता है कि नहीं और कैसा होता है एक्सपीरियंस. सो इट्स माई फर्स्ट टाइम अलोन इन गुवाहाटी एंड आई, और मुझे कुछ नहीं पता यहाँ के बारे में, तो मैं पूछ पूछ के जाऊँगी. आई विल स्टार्ट स्पीकिंग SMS. लेट अस स्टार्ट. ठीक है, क्या थे आई भी ईमान मरोम लगे आई को दिया कर दिया हिकी हिकिल মই শিকিনো এৰি যাব ঘৰতে, এৰি যাব লাগিব শিকিব ঘৰতে, এৰি এৰি কিনে এৰি কিনে যাব, এনেকৈ যাব মন নাযায়, কিন্তু কি কৰিম. গাইজ, তুমি মোৰ আউটফিট অফ দ্য ডে'টো চাবা. বল যাম, মোক বহুত গৰম লাগিছে, ইমান গৰম হৈ গ'ল. মই জেকেট পিন্ধি কিনি আহিছে, পিন্ধিব নাই লাগিবছিল কিয়া নাই আহিব লাগিছিলে, ইমান গৰম. বাপৰে বাপৰে, টাইম 10:00 বাজিছে, ইমান গৰম হৈ গ'ল. 1 বাজি তে কিমান গৰম হ'ব. মই ATM গৈ আছোঁ, ৰেপিড' বাইকটো তাতে বোলাম. ইয়াতে মন্দিৰ, ইয়াতে ৱেইট কৰি আছোঁ, ৰেপিড' আহি আছে. দাদা দুইটা হেলমেট লৈ কিনি ইয়াতে পৰা গৈছে. মই ভাবিছিলোঁ ৰেপিড' আহি গ'ল. মণিপুৰী চব্জি, চিদৰ মাছ চিধা মণিপুৰী মাৰ্কেট ক'ত আছে চব্জি চিদৰ মাছ কিনিবলৈ আগত চিধা. থেংক ইউ. মানুহবিলাক মোৰ ভাষাটো বুজি আছে, মতলব মই ভালকৈ বলি আছে. খারাপ নেই হব, 100 এক প্যাকেট ঝাল আছে না, এটু এক প্যাকেট আর এটু এটু কি মান সিদর 50 50 ইয়ে এটা আর ইয়ে এটা
ये कितना? 150. कौन 15 भी लोबो. ये तो की माउस ईसा माउस ईसा होय गोल 750 হইছে 750 হইছে খুজরা হবো 1000 খুজরা 50 নাই 700 সিলেব আছে খুজরা ইয়াতে অটো অটো কত করে পাবো করতে বলে গণেশগুড়ি গণেশগুড়ি আপনি ভর্তি ভর্তি অটো গৈ আছে গণেশগুড়ি মার্কেট কিমান লব গণেশগুড়ি ঠিক আছে বহুত গরম আছে না গুলে মার্কেট তাতে গাহরি পাবো দাদা নিম্বু আছে নিম্বু কেনেকা দাম এটা 10 টাকা নিম্বু 4টা লসুন অদরক 20-20 টাকা ধনিয়া 10 টাকা আর পুরো এতে গাহরি পাবো নাকি খেতে না পায় রাস্তা ক্রস করি পেলে দুটা রাস্তা ক্রস করিব লাগিব দিসপুর হসপিটাল আছে তাতে থ্যাংক ইউ কিমান দাম 400 লম্বা তো বনির কারণে তা কেকাস কিনিছো হয়ে কিনে আহি গল গাহরি খুঁজি আছে পায়া নাই গাহরি খুঁজি খুঁজি মই তো থাকি গল পুরো মণিপুরী বস্তি খুঁজিলে ইয়াত বি গণেশগুড়ি তাত বি পায় মই আগত আগত পাব মই তোমার কারণে এটা গিফট কিনিছো ভিতর আছে কি রেখা ভাল লাগিছে বহুত ধুনীয়া আমার তাতে মাইকী গাহরিটো স্কিনটো টান হয় লৰা গাহৰিটো নরম হয় টেস্টি হয় কিলো পর কিমান দাম দুটা ফ্রুটি ইয়াতে মই শাক পকাই আছে আৰু ইয়াতে মছলা ৰেডি কৰিম তেল দালি দিছো পৰ্ক ইয়াতে দালিব দালি পৰ্ক বইলটো হৈ গ'ল এইটো ওলাই পাতা বইল দালটো বহুত টেষ্টি দেখিছে এইটোতো আৰু বি টেষ্টি দেখিছে পূজা দিদি কৈছে পূজা দিদি আহি পালে পূজা দিদিৰ কাৰণে মই মাজা আৰু ঠাণ্ডা পানী ল'বলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ চলি আছে
वेदर तो बहुत भाल होय आसे की माने तो दाम पानी बोतल 100 गाइस एटा क्वेश्चन खुदिबो भाबिसिलु लिंग लांग एटू वर्ड तो आसामिस होय कि अरुणाचली वर्ड होय बेसी लिंग लांग नकरिबि दे लिंग लांग कमेंट सेक्शन नते मुक बोलि दिबा किनि सीधा गेम खेलि आसे केले केले गेम गेम म गुसि गल आपनि मैं कथा पातिम अगर जदि आपुनी गेम ना खेलिबो तब तो कथा पातिम हात बारी दिम पुजे भूख लगी से ना जुनी जो बोले कि खाना निकाल दो तुम जो हाँ निकाल देता हूँ चलो भात बारी बो बुनु बोनी हेल्प कर हेल्प हेल्प करी बोला आहे बीन बिलाही दी सो बिलाही बिलाही आरो बिलाही आरो बागाज बागाज आरो जलोकिया जलोकिया हाँ खाए खाए किनी मुख मान टेस्टी लगी से टेस्टी लगी से ओ हमें अब यूर्स देखाओ भाई ना गाउडी वाव गाउडी खाके खाए किनी मुख बताई बा किना लगी से ये भी दिन ना हाँ बिंदु खाई कि नहीं बताइबा 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 नहीं आते हमको नहीं तो कोबा ना खाई कि नहीं कोबा बढ़िया बहुत बढ़िया से कैमरा के लिए बढ़िया से ना सच में बढ़िया से भूख लग रहा है मैंने जब ये रेस्टोरेंट करा है तो डेली सोल्ड आउट बनवा ना कुछ सोल्ड आउट बढ़िया ठीक है सब गुड इवनिंग दूध लबला लबले गईसिले दुकान दीदी और राहुल जीजाजी रेस्ट करी आसे मैं कॉफी बनाए दिम के बाद एक घंटा बही किनी उलाई जाबो ट्रेन आसे तीनसुकिया जाबो जी हाँ जुड़ी की बनाए से पूजा दीदी बस तू मिस होई गोल बस तू मिस होई गोल आरु की को मारु यते बही बोला की बो पूजी आरु मैं बोला आजी मणिपुरी लोंगचाक बेगुन तो तुम काटा ना बॉइल कर स्लिट करी से अच्छा अच्छा तो आपुनी सिर्फ बेगुन बॉइल करी आसे ना कि बेगुन आरो आलू करी एटु यक्षक आरो एटु गारी एटु की करी आसा आपुनी के एटु गरम पानी दादी आसे पानी डाली आसे आरो डाली मेरा चैलेंज है कि तेरा चैलेंज है जुनी आप हिंदी से कोबा मोई आसे मिस कोबो जो काटा है ना छोटा छोटा हां जी उसको हम लोग काटा को ड्रेन कर सकेगा ना इसीलिए हां मुझे पैसों गेम खेले आसे तुम्ही आपुनी कौन गेम था खेला खेल कॉल ऑफ ड्यूटी कॉल ऑफ ड्यूटी आज तो बस मिस होई गल ओ याते ही सुबह लागिबो हुबो लागिबो एते बोले खाली जाम आपुनर पत्नी तो टेस्टी भात बनाई आसे टेस्टी बनाई ना तुम्ही के मतलब छोटा को बोलेगा ना आपुनी तो बड़ा को बड़ा को तुम्ही बोल सकते मी तुम्ही वेट करिबा भात बनाई आसे बिंदु बोल रहा है अपनी बोले दीदी को पति है ना हाँ। दो कोई ऐसा तो अपनी को बोलेगा तोय हमको तोय बोलेगा
গধূলি বি গাছ ধুইছে, ৰাতিপুৱা বি ধুইছে, বহুত ভাগৰ লাগিছে সেইকাৰণে মই গা ধুইছে। এইটো আমাৰ কিচেনত এনেকৈ হৈ আছে চুগলি চুগলি। এইটো পূজা দিদি বনাইছে এই ৰম্বা, মই ইয়াতে ফিষ্টিন বনাই আছো। সব কথা পাতি আছে। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल डिनर के बाद हम सो गए थे और मैंने कल सुबह के 10 बजे स्टार्ट किया था एसएमएस स्पीकिंग चैलेंज और आज सुबह के बज गए 10। फाइनली मेरा 24 आवर्स का कंप्लीट हुआ एंड आई एम वेरी हैप्पी। और मुझे एक रिव्यू देना था। कल ना मैंने बोला था कि मैं रैपिडो में जाना चाहती हूँ और मैं मतलब देखना चाहती थी कि कैसा है ना एक्सपीरियंस। मणिपुरी बस्ती से गणेशगुड़ी आने में मुझे 150 रुपीज़ लगे ऑटो में, लेकिन रैपिडो में मुझे कितने लगे गेस करो? 33 रुपीज़। तो एक तो ट्रैफिक से बचो, ऊपर से हवा हवा, ऊपर से कम पैसा। तो जहाँ भी जाऊँगी रैपिडो से ही जाऊँगी। इतना प्यारा है। आप ये शिलोंग से ले गया? दिल्ली से लिया। ऐसे नाचे लग रहे हैं। शिलोंग से ब्लेंडेड बंडल के घर में आ गई हूँ। आज मैं इन लोगों को बहुत टेस्टी वाला लंच खिलाने वाली हूँ। टेस्टी एट द सेम टाइम हेल्दी और थोड़ा समर इंस्पायर्ड। वैसे कल रात भी पूजा जी ने बनाया था। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। लेट्स डू इट।